Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप तो हैं भागवत की कथा में भी विवाह की कथा है, इसलिए स्वाभाविक है। उपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्रीमद् भागवतम की जिस कथा का प्रारंभ किया जा रहा है, उस कथा में आज ही एक राजा का विवाह होगा। ये कथा में तो यह स्वाभाविक है, इतना बाजा बजना उल्लास होना। इसे आयोजन में पधारे हुए श्रीमती सुषमा जैन अग्रवाल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आकर के भगवान कृष्ण के नाम के विषय में बहुत अच्छा बोले। बहुत प्रसन्नता हुई सुन करके। और हरे कृष्ण आंदोलन के इस सूरत शाखा के अध्यक्ष, इस मंदिर के अध्यक्ष श्री वृंदावन दास प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस आयोजन को करने में बहुत ही सहज किया है। और आप सभी श्रोता बंधुओं को जो यहाँ भगवान की बात सुनने के लिए आए हैं,
बुरी बुरी धन्यवाद देता हूँ। भगवान में आपका मन लगा रहे हैं तो ये चार दिन का यह आयोजन है। चार दिन में तो भागवत का बहुत ही थोड़ा अंश कहा जा सकता है, तो हमने विचार किया है चंद्र वंश के वर्णन का, जिसमें महाराज यजाति का चरित्र प्रस्तुत किया जाएगा। घटना इस प्रकार की है, जैसे वंश परंपरा से सुखदेव गोस्वामी कथा कहे हैं, तो सबसे पहले श्री भगवान विष्णु, ये सबके मूल हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए सोम। इस तरह से ये परंपरा है। सोम के पुत्र हुए बुध और बुध से पूर्णिमा, और इसके बाद आयु, आयु के पुत्र हुए नहुष और नहुष के पुत्र हुए जजाति महाराज। ये घटना इस प्रकार की है कि नहुष के 6 पुत्र हुए। यहाँ से कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज नहुष के 6 पुत्र हुए, जतिर जजाति संयाति आयति व्यति कृति सदिवे नहुषस्यासन इंद्रियाणिव देयिना। जैसे शरीरधारी जीवात्मा की 6 इंद्रियाँ होती हैं, इस प्रकार से महाराज नहुष के 6 पुत्र हुए। नहुष की कथा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत से काव्य लिखे गए हैं, तो मैं विस्तार से उनका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। इतना ही समझना पर्याप्त है कि नहुष महाराज के 6 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, जजाति, आयति, संयति, व्यति और कृति। सब में तो इकार लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा पुत्र थे जति। राज्यम नैक्षत जति पित्रा दत्तम तत् परिणाम वित्त जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मान नाव बुद्धते। जति को जब नहुष महाराज ने राज्य दिया तो वे राज्य लिए नहीं, बड़ा बेटा राज्य नहीं लिया, वह राजा नहीं बना। क्यों? क्योंकि वह राज्य प्राप्ति के परिणाम को जानता था। जत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मान नाव बुद्धते। जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तो स्वाभाविक ही उसको भोगों की सुविधा होती है, बड़ा पद होता है, तो भोगों की तरफ ही उसकी चित्तवृत्ति लग जाती है। वो अपने को और अपने संबंध भगवान के साथ, इन दोनों को भूल जाता है। तो जति इस बात को जानता था, इसलिए उसने राज्य लिया ही नहीं। देखिए ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनको राजा उत्तराधिकार के रूप में राजा बना रहा है, निष्कंटक राज्य, कोई उपद्रव नहीं, फिर भी राज्य नहीं लिया। भगवान की भक्ति करने के लिए उसने राज्य स्वीकार नहीं किया। उस समय महाराज जजाति स्वर्ग गए थे। जब राज्य नहीं लिया तो राज्य छोड़ करके स्वर्ग गए। स्वर्ग में इंद्र पद पर बने नहुष महाराज। तो राज्य का ऐसा दुष्परिणाम होता है, घमंड होता है, कि व्यक्ति मर्यादाओं को तोड़ देता है। जब मनुष्य एक राजपूत स्वर्ग में इंद्र का पद पाया, देवता लोग बुला करके ले गए उनको। ऐसी बात थी कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और इस कारण से उन्हें 1000 वर्ष तक
स्वर्ग छोड़ देना था ब्रह्म हत्या के भय से, तो उस दशा में इंद्र का पद खाली हो गया था, तो देवता लोग आकर महुष महाराज को ले गए स्वर्ग कि आप इंद्र का पद संभालिए। समस्त देवताओं से सबसे बड़ा श्रेष्ठ पद इंद्र का है, तो इंद्र पद पर थे तो राज्य का संबंध होता है। महुष इंद्र के आसन पर बैठते थे, इंद्र के भवन में रहते थे और वही सब कुछ सम्मान देवताओं के द्वारा प्राप्त होता था। उनके मन में यह बात आई कि जब मैं इंद्र के पद पर हूँ और सारे देवता मेरा सम्मान करते हैं, तो जो इंद्र की पत्नी है उसे भी चाहिए कि वो मुझे पति मान करके मेरा सम्मान करे। ये है राज्य का परिणाम। देखिए इतना बड़ा पवित्र राजा स्वर्ग में गया तो स्वर्ग के वैभव को, पद को, अधिकार को पाकर वह इतना अभिमान में हो गया। तो उसने आज्ञा दिया सची को, इंद्र की पत्नी का नाम है सची। इंद्र विपत्ति में थे, वे इंद्र स्वर्ग छोड़ दिए थे, मान सरोवर के एक कमल में निवास करते थे। दुर्दिन आया था इंद्र का, तो उनकी पत्नी से जब उन्होंने खबर भेजा कि तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो, इस समय मैं इंद्र हूँ, इसलिए तुम मेरी भोग्या हो, तुम मेरी पत्नी हो, तो बेचारी सची क्या करे। जब व्यक्ति पर कोई संकट आता है तो अपने गुरु की शरण लेता है, वह अपने गुरु बृहस्पति जी से विनय की, रोने लगी कि महाराज नहुष ऐसी आज्ञा दिए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए गुरुदेव। तो गुरु बृहस्पति जी ने सची को कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम कह दो, खबर केवल भेज दो नहुष को कि आपको मैं स्वीकार करूंगी जब आप सप्तर्षियों को पालकी में लगा करके उनको कहार बना करके और मेरे पास जब आएंगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगी। तो नहुष को इस बात से बड़ा सुख मिला, उसे बस इतनी बड़ी, इतनी ही छोटी सी शर्त है, ये ब्राह्मण इतने दिन से खाए पिए हैं, क्या करेंगे, पालकी नहीं ढोएंगे तो क्या करेंगे। उनको लगाए पालकी में, कभी भी बेचारे ये सप्तर्षि ब्राह्मण पालकी नहीं ढोए थे, लेकिन अब इंद्र पद पर नहुष थे तो उनका शासन मानना था, वे लोग पालकी में लगे। खुली पालकी थी और काम से उन्मत्त हो रहे थे राजन नहुष, लेकर के पालकी चले तो वे बारंबार ऋषियों को प्रेरित कर रहे थे, सर्प सर्प अर्थात सर को तेजी से चलो, तेजी से चलो, सची के घर में जाना था, जल्दी ले चलो सर्प। यहाँ तक कि वो तेज नहीं चल रहे थे तो उन्होंने अगस्त जी को अपने पैर से मारा तेज चलने के लिए। इसी पर अगस्त जी ने पालकी को रखते हुए साप दिया, अरे मूर्ख तुम सर्प सर्प कह रहे हो, तुम तुरंत सर्प हो जाओ। तो सर्प बन गए नहुष। सर्प बनते ही उन्हें होश आ गया कि ओहो ये मैं क्या पाप करने की सोच रहा था, सची के प्रति मेरा दुर्विचार, और उस दुर्विचार की पूर्ति के लिए मैं ऋषियों को ब्राह्मणों को पालकी में लगाया हूँ। तो वे रोने लगे और अगस्त जी से क्षमा मांगने लगे, हमें क्षमा कर दीजिए, मेरा दोष नहीं है प्रभु, ये दोष इस पद का है, इस राज्य पद का, इंद्र पद का दोष है, मैं बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ आकर के मेरी मति दूषित हो गई, इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए। तब अगस्त जी ने कहा ठीक है,
तुम तब तक सर्प योनि में रहोगे जब तक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से तुम्हारी बातचीत नहीं होगी। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से तुम वार्तालाप करोगे सर्प योनि में, तो तुम इस समय सर्प योनि से मुक्त हो जाओगे। और यह भी उन्होंने कहा अगस्त जी ने कृपा करके कि दिन के छठे भाग में कोई भी बलवान से बलवान जीव, हाथी, सिंह या बड़े बड़े सर्प या मछलियाँ जो तुम्हारे पंजे में आ जाएंगे वो छूट नहीं पाएंगे। तो अजगर का शरीर नहुष महाराज को मिला। जब इधर पृथ्वी पर खबर आया कि नहुष महाराज अजगर हो गए हैं, तब जजाति महाराज ने राज्य स्वीकार किया। नहुष के पुत्रों में इनका स्थान दूसरा था। यति ने राज्य नहीं लिया, तब महाराज जजाति ने राज्य स्वीकार किया। राज्य स्वीकार किए तो इन्होंने दो विवाह किया। एक शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया उन्होंने, और वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा से विवाह किए। तो वृषपर्वा क्षत्रिय थे और जजाति महाराज भी क्षत्रिय हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी एक ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण, उनकी पुत्री से इन्होंने विवाह किया जजाति जी ने। तब इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न किए कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्च माहुषः राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान शुक्राचार्य ब्रह्मर्षि हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, और महाराज जजाति एक क्षत्रिय हैं। तो इन दोनों में ब्राह्मण में ब्राह्मणी के साथ एक क्षत्रिय का विवाह कैसे हुआ, इसको प्रतिलोम विवाह कहते। अगर उच्च वर्ण का व्यक्ति है तो छोटे वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, लेकिन उच्च वर्ण की कन्या से छोटे वर्ण का व्यक्ति विवाह नहीं करता है। अगर ऐसा कभी किया तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो महाराज परीक्षित पूछ दिए सभा में, जहाँ कथा हो रही थी गंगा के तट पर, कि महाराज जजाति इतने बड़े धार्मिक पुरुष होते हुए भी एक ब्राह्मणी से कैसे विवाह किए, ये तो प्रतिलोम विवाह हुआ, उल्टा विवाह हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, महाराज यह प्रतिलोम विवाह नहीं था, यह बिल्कुल उचित विवाह था। कैसे, इसी को बताने के लिए कि यह विवाह वास्तव में ईश्वर की इच्छा से हुआ था, भगवान की इच्छा से हुआ था, अतः इसमें प्रतिलोमता का दोष नहीं है। तब एक कथा कहने लगे किस प्रकार से महाराज जजाति का विवाह हुआ था, तो चालू करते हैं। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्या का सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी देवयान्या पुरोद्याने पुष्पिता द्रुम संकुले व्यचरत कलगीताले नलने पुलिने वला। एकदा, एक समय की घटना है, दानवराज वृषपर्वा के पुत्री जिसका नाम शर्मिष्ठा है, शर्मिष्ठा था, वह अपने सैकड़ों सखियों के साथ नगर के उद्यान में विचरण कर रही थी। अपने सखियों के साथ घूम रही थी नगर के उद्यान में, पूरे उद्यान में। उस उद्यान में, उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी तलैया पुष्करणी थी,
और पुष्कर्णी के पुनीन में किनारे जो सब विहार कर रहे थे वह बगीचा अनेक प्रकार के पुष्पित वृक्षों से भरा गया था। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुष्पित ध्रुव संकुल है, बहुत से वृक्ष थे फूलों के फलों के, उद्यान बहुत सुंदर लगता था। तो शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ घूम रहे थे वन में उद्यान में, तो साथ में गुरु पुत्री देवयानी भी थी, गुरु पुत्रिया चभामिनी देवयानिया, शुक्राचार्य की पुत्री का नाम देवयानी था। तो देवयानी भी अपनी सखी के साथ घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, बहुत आनंद में थी। देखिए इतना प्रेम था दोनों में, पुरोहित की पुत्री और राजा की पुत्री, बड़े ही स्नेह से भक्ति भाव से वे घूम रहे थे आपस में प्रेम से। ता जलाशय माँ साध्य कन्या कमल लोचना, वे सभी लड़कियाँ परम सुंदर थी। शर्मिष्ठा देवयानी और उनकी जो भी सखियाँ थी उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कमल लोचना, उनकी आँखें कमल के समान सुंदर थी। इसके द्वारा वे सर्व सौंदर्य का वर्णन कर दिए, इसको संस्कृत में उपलक्षण कहते हैं। एक आँख के सौंदर्य का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी शरीर के समग्र सौंदर्य का वर्णन कर दिए, बहुत सुंदरी थी और कन्या थी, कोई विवाहित नहीं थी, अविवाहित स्त्री को कन्या कहते हैं। तो वे एक जलाशय के पास आई, पुष्करणी के पास, पहले से स्नान करने का प्लान बना करके नहीं गई थी। और वास्तविक बात यह थी कि उस उद्यान में केवल स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती थी। तो घूमते घूमते जलाशय के पास आने पर उन्हें स्नान करने की इच्छा हो गई। तो तीरे नेस दुकुलानी बिजरहुर सिंचतिर मिथा, तीर पर अपने वस्त्र को रख दे दुकुलानी नेस्य और विहार करने लगी पुष्करणी में सरोवर में, एक दूसरे पर सिंचती मिथा, एक दूसरे पर जल उड़ीच रही थी। ये स्वभाव है स्नान करने में, एक कंपटीशन का भी भाव आ जाता है कि हम हरा देंगे करेंगे, तो एक दूसरे पर पानी उछल रहे थे, जल केली कर रहे थे। वे सब नग्न नहा रहे थे। तब तक उसी समय क्या हुआ, वृक्ष ब्रजंतम गिरिशम दिव्या सह वृषा स्थितम, उसी समय उन लोगों ने देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं सरोवर के तरफ, वे आ रहे हैं। वृक्ष ब्रजंतम गिरिशम, देखिए किस प्रकार से ईश्वर ये सब करता है व्यवस्था, ईश्वर ही आ रहा था। वृषस्थितम, वृष पर बैल पर चढ़कर दिव्या सह देवी पार्वती जी के साथ भगवान शिव उसी रास्ते से आने लगे। तो उनको देखते ही सहसा उत्तीर्ज वासी पर्यधुर वृणिता स्त्रिय, स्वभाव से ही नजीनी स्वभाव की स्त्रियां होती हैं और नग्न थी, सरोवर में स्नान कर रही थी। तो शिव जी को देखते ही अकस्मात निकल गई सरोवर से, और निकल करके जो तीर पर वस्त्र रखे थे अपनी अपनी साड़ी वगैरह वो झटपट धारण करने लगे। लेकिन साड़ी पहनने में अब किसी तरह से लज्जा को ढकना था कि भगवान शिव हमको नग्न ना देखे। पहले लोग नग्न कभी नहीं नहाते थे, कभी नहीं रहते थे, ऐसी ऐसी घटनाएं एक दो हुई हैं। तो साप भी दे दिया है किसी ऋषि ने, जैसे नारद जी ने साप दे दिया नलकुबर और मणिग्रीव को नग्न स्नान के कारण। स्त्रियों को तो साप नहीं दिए क्योंकि स्त्रियों से बात नहीं करते थे, लेकिन नलकुबर को साप दे दिया वृक्ष होने का,
ये वृक्ष मग्न रहते हैं, कोई पैंट धोती कुछ पहनते नहीं हैं, तो महाराज जी ने कह दिया तुम्हें वृक्ष हो जाओ, लेकिन कृपा करके साप दिया, उनको ब्रज में जन्म दिया। तो इन सब कथाओं को ये लड़कियां जानती थी, इसलिए ये डर गई, लज्जा हुई और भय भी हुआ भगवान शिव से कि साप दे देंगे। तो वो अपना ये वस्त्र पहनने लगे। वस्त्र पहनने में क्या हुआ कि सर्विष्ठा अजानती वासः गुरु पुत्र समव्यय, सर्विष्ठा की साड़ी और देवयानी की साड़ी लगभग एक क्वालिटी की थी और एक रंग की, तो बेचारी पहनने में उसको तो लज्जा बचानी थी, पहनने जो शिव जी को दूर से देखा तो तुरंत निकल कर पहनी, वो समझी कि यह मेरी साड़ी है, देवयानी की साड़ी जो थी उसको समझी कि मेरी साड़ी है, स्वयं मत्वा, स्वयं मत्वा अपना मान करके पहनी तो प्रकृपिता देवयानी दमा ब्रवीत, तो भगवान शिव तो चले गए, किसी तरह से उन्होंने लज्जा बचाया। कि बाद में देवयानी ने देखा कि शर्मिष्ठा मेरी साड़ी पहन ली, इसमें क्या हर्ज हुआ, कोई कोई इसमें अनुचित बात नहीं थी, कुछ भी अनुचित बात नहीं थी, वो सखी थी दोनों, वो राजा की पुत्री है और ये पुरोहित जी की पुत्री है, ब्राह्मण की पुत्री है, तो उसके साड़ी को अगर उसने पहन लिया इमरजेंसी में वो भी तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन देवयानी प्रकोपिता, देवयानी क्रोध में हो गई, उसे बहुत क्रोध आया। देवयानी जैसी कन्या जो एक बहुत बड़े ब्राह्मण की पुत्री है उसमें क्रोध नहीं आ सकता था, लेकिन सब चीज देखिए ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, सावधान रहना चाहिए, किसी में दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। देवयानी में क्रोध आया, प्रकोपिता प्रकृष्ट रूप से कुपित हुई। अभी अभी सब सखियां आपस में विहार कर रही थी, जलकेली कर रहे थे और ये शिव जी आकर झगड़ा लगाती ये भगवान आए, अगर वे नहीं आए होते तो साड़ी पहनने में इतनी गड़बड़ी हुई नहीं होती। इसी से इस निष्कर्ष पर आया जाता है कि ये सब भगवान का विधान था, उसमें देवयानी का कोई दोष नहीं है और शर्मिष्ठा का कोई दोष नहीं। तो देवयानी को क्रोध आ गया, ये क्रोध जो हुआ यह भी भगवान की ही प्रेरणा से हुआ, ये सारी घटना ही ईश्वर के द्वारा रचित है। तो बहुत क्रोध हुआ, क्रोध में वह बहुत बोलने लगी शर्मिष्ठा को, क्रोध में व्यक्ति बोलता है तो वास्तव में विचार नहीं करता है क्या बोल रहा हूँ, क्रोध जो है विचार को नष्ट कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। तो सखियों को समझाते हुए कहने लगी केवल साड़ी पहन ली थी, अभी भी बदल सकती थी, कोई बात नहीं, लेकिन शिवाज कहने लगी अहो निरीक्षता मस्या दास्या कर्म ह्यसाम प्रथम, अहो देखो इस दासी का अन्याय देखो, दासी दास्य अस्या दास्य, इस दासी का अन्याय देखो, क्या अन्याय कर दी असाम्प्रतम, इसका अन्याय देखो, निरीक्षता देखो देखो इसका अन्याय देखो, क्या अन्याय किया अस्मद् धार्जन धृतवती, जो वस्त्र हमको धारण करना चाहिए, मैं जो धारण करते हूँ वस्त्र को, उसको यह धारण कर ली, यह पहन ली, इसका अन्याय देखो। और अन्याय का की उपमा दे रही है, कैसा अन्याय, कैसा पाप इसने किया, जैसे सुनी इव हविर अध्वरे, जैसे अध्वरे यज्ञ में हवन के लिए रखे हुए घी को कोई कुतिया पी जाए, उस तरह से इसने मेरे साड़ी को पहन ली, तुरंत कुतिया बना रही। कभी कभी ऐसा होता है यज्ञ में ब्राह्मण लोग असावधान हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो कुत्ते भी आकर घी पी जाते हैं,
जो अग्नि देवता को देने के लिए, देवताओं को, भगवान को देने के लिए घी रखा रहता है, उसको आकर के कुतिया पी जाती है। देवयानी इस तरह से उसको नीच बना रही है कि देखो अस्मद् धार्जन धृतवती, जो मैं वस्त्र पहनती हूँ उसको इसने पहन लिया, धृतवती इसने धारण किया, सुनी इव हमीर अध्वरे, जैसे अध्वरे सुनी इव कुतिया जैसा हवी जैसे कुतिया घी को पी जाए, वैसे इसने मेरे साड़ी को पहन लिया। तो उसके अन्याय के अतिशयता को व्यक्त करने के लिए वो ब्राह्मणों की महिमा बताने लगे, ब्राह्मण कितने महान है। वो ठीक है, ब्राह्मण महान है, तो क्षत्रिय क्या कुछ नहीं है क्या, ये जरा सोचना चाहिए। लेकिन वहाँ तो मैं शुरू में ही कह रहा हूँ कि ये सब ईश्वर की का विधान था, देवयानी का इसमें कोई दोष नहीं है, कुछ घटना कराना चाहते थे भगवान। तो इसके मन में इतना क्रोध आ गया और बोलने लगी, और इसमें कहती है जय रिदम श्रेष्ठ तपसा, जय रिदम तपसा श्रेष्ठम। ये इस विश्व में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं सबको तपस्या करके ब्राह्मणों ने पैदा किया है। वास्तव में ये सारे विश्व में जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य या दैत्य या पशु पक्षी, जितने भी हैं, इस सारे विश्व की रचना ब्राह्मणों ने की है। तो बोल रहे जय रिदम तपसा श्रेष्ठ, जिन ब्राह्मणों के द्वारा ये सारा विश्व रचा गया। हम लोग कभी जब जिज्ञासा करते हैं भाई गोत्र कौन है, वंश का प्रवर्तक कौन है, किसी के भी वंश का प्रवर्तक आप पूछिए, भारत में अगर वो सनातन धर्मी है तो जानता है, और किसी भी ऋषि का ही नाम आता है, ब्राह्मण का ही नाम आता है कि हमारे वंश के प्रवर्तक अमुक हैं, जैसे अत्रि हैं या कश्यप हैं या वशिष्ठ हैं, ये सब गोत्र ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ही सृष्टि की है। ये भागवत में स्पष्ट लिखा गया है, सबकी सृष्टि, सबके वंश के प्रवर्तक वास्तव में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के द्वारा सृष्टि हुई है। तो इस तरह से इस विश्व के जन्मदाता हैं ब्राह्मण। वो बोल रहे हैं जय रिदम तपसा श्रेष्ठम मुख पुंस परस्य, और ये ब्राह्मण परम पुरुष भगवान के मुख माने जाते हैं, ये मुख से उत्पन्न है, इनके मुख से भगवान खाते हैं, तो भगवान को भी तृप्ति देने वाले ये ब्राह्मण है। मुख है तृप्ति देता है ना, हम लोग के शरीर में हम लोग भोजन मुख द्वारा डालते हैं तो सारे शरीर को तृप्त करता है। तो ब्राह्मण है भगवान परम पुरुष के विष्णु के मुख माने जाते हैं। जय रिदम तपसा श्रेष्ठम और मुखम पुंस परस्य ये जय धार्यते जय रिदम ज्योति शिव पंथा सुदर्शित। और क्या क्या विशेषता बता रही है ब्राह्मण की देवयानी, ब्राह्मण ही ब्रह्म को धारण करते हैं, भगवान को हृदय में धारण करते हैं, और इसके साथ ही साथ वेद धारण करते हैं और सनातन धर्म की व्याख्या करते हैं। शिव पंथश्च दर्शित, शिव पंथ कल्याण मार्ग। वास्तव में इस संसार में मनुष्यों के लिए श्रेय प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का और सुख प्राप्ति का मार्ग है जो वेदों में वर्णित है, और वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म पर चलने से ही वास्तविक सुख पाया जा सकता है, और सनातन धर्म का मतलब है सनातन भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, हम भी सनातन हैं, भगवान भी सनातन है, और जीव और भगवान के बीच संबंध सनातन है। उस सनातन संबंध के अनुसार जब भगवान से प्रेम किया जाता है, सेवा की जाती है उनकी, तो इसको सनातन धर्म कहा गया। तो देवयानी कह रही है कि यही है शिव पंथा कल्याणकारी मार्ग, इसको ब्राह्मण प्रवचन करते हैं, बताते हैं दुनिया में, और भगवान को धारण करते हैं।
जन बदंत प्रतिष्ठंती लोकनाथा सुरेश्वरा, ब्राह्मणों की वंदना और ब्राह्मणों की स्तुति लोकनाथ सुरेश्वर गण भी करते हैं। बड़े बड़े देवता भी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। और भी करें कि भगवान भी विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, यहाँ तक कि जिनका नाम जिनका गुणानुवाद विश्व के समस्त जीवों को पवित्र करता है, ऐसे परम पावन और श्री निकेतन श्री जी के आश्रय भगवान विष्णु भी ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। और यह हमारे पहने हुए साड़ी को पहन ली, जब जो प्रसाद ही तो पहनी बेचारी, क्या हर्ज हुआ। लेकिन वो तो क्रोध में है, पर देखिए क्रोध में भी देवयानी के मुख से भगवान की महिमा निकल रही है, सनातन धर्म की बात आ रही है, भगवान के संबंध से ही ब्राह्मणों की महिमा व्यक्त कर रही है। एक नीति श्लोक में कहा गया है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वह दुख में भी होता है पर मुख से बहुत अच्छी बात बोलता है, दुख में होने पर भी खराब नहीं बोल सकता है। देवयानी जो कुछ भी बोल रही है, तो जब यह उसने कहा कि भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, भगवान विष्णु विश्वात्मा है, समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, वही इस विश्व को उत्पन्न किए हैं, चला रहे हैं और परम पवित्र हैं, इसके साथ ही साथ समस्त धन आदि के आश्रय लक्ष्मी जी के भी पति हैं भगवान, तो ये भगवान का गुणगान हुआ। बेचारी क्रोध में है, दुख में है, लेकिन फिर भी उसके मुख से भगवान का गुण निकल रहा है, यह है श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य। तो एक श्लोक में कहा गया है कि महान व्यक्ति यदि कष्ट में भी होता है फिर भी मुख से अच्छी बात बोलता है, खराब नहीं बोलता है। तो उदाहरण देता है, जैसे गन्ना, गन्ना कोल्हू में पेरा जाता है, मशीन में पेरा जाता है, फिर भी उस दुख में भी मीठा रस ही उगलता है। गन्ना अपने आप दुख में सारा शरीर पीसा जा रहा है, लेकिन फिर भी उस मीठा रस उगलता है। यह है महान लोगों का चरित्र। तो ये बहुत बड़े ब्राह्मण की, बहुत बड़े विद्वान की पुत्री है देवयानी। अतः क्रोध में भी भगवान का गुण गा रही है, बहुत अच्छी बात बोल रही है, भले क्रोध में बोले। भगवान अपि विश्वात्मा पावन श्री निकेतन, भगवान के लिए पावन विश्वात्मा श्री निकेतन, ये सब विशेषण दे रही है। यह है भगवान की कथा। और इस प्रकार कही, एक तो सामान्य ब्राह्मण भी इतना पूज्य होता है, वयम तत्रापि भृगव, उसमें भी हम भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जिन भृगु जी के लात को भी भगवान विष्णु ने सहन किया अपने छाती में, हम लोग उनकी संतान है, भृगु जी के संतान है। भृगु जी के संतान को भार्गव कहते हैं, भृगु से भार्गव या पत्यवाचक शब्द। वयम तत्रापि भृगव, एक तो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जिसके पदाघात को भी भगवान विष्णु ने अपने छाती में सहन किया और हमारे पूर्वज के भृगु जी के चरण को धारण करते हैं, चरण चिन्ह धारण करते हैं। एक तो हम ब्राह्मण हैं और उसमें भी भृगुवंशी ब्राह्मण है, और उस पर भी शिष्यो अस्या पिता न, शिष्यो अस्या न पिता सुर, इसका पिता इसका बाप एक तो असुर है, दैत्य कुल में जन्म लिया है, विश्वकर्मा जी को कह रहे, एक तो असुर है, और उस पर भी न शिष्य, हमारे पिताजी का शिष्य है, हमारे पिताजी का शिष्य है,
अब पुत्री से बाप का संबंध जोड़ करके कह रहे हैं। इसका पिता अस्याह पिता न शिष्य न मैंने अस्माकम, इसका पिता हम लोगों का शिष्य है, तो संबंध में भी हम बहुत बड़े हुए। ऐसे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी हम भृगुवंशी हैं, और उस पर भी इसका बाप हमारा शिष्य है, और फिर भी अस्मद धार्जन धृतवती शूद्रम वेद निवासती। लेकिन इस असती ने इस दुष्टा ने मेरे पहनने योग्य वस्त्र को, मेरे पहनने वाली साड़ी को इसने पहन लिया, जैसे कोई शूद्र वेद का उच्चारण कर। ये दो 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 उदाहरण दे रहे, ये क्रोध में है। वेद का कुछ ऐसा हिस्सा है जिसका उच्चारण कोई नहीं कर सकता, सेकेंड दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति ही उच्चारण कर सकता है जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। कुछ ऐसे मंत्र हैं वेदों में और कुछ ऐसे भाग हैं जिसका सब लोग उच्चारण नहीं कर सकते। तो द्विज जिसका द्विजाति संस्कार हुआ है, उपनयन संस्कार हुआ है, वे लोग उच्चारण करते थे, और जिसका उपनयन संस्कार आदि नहीं हुआ है वो उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसे क्योंकि दोष लगता है। एक मान्यता रही है तो उसको देवयानी कह रहे हैं कि जैसे कोई शूद्र वेद पढ़ ले ऐसे इसने मेघ साड़ी को धारण कर। क्रोध में थी, राजा की पुत्री को इस तरह से बोल रही थी, एवं सपंतिम सर्वनिष्ठा। इस प्रकार से देवयानी साप दे रही थी, गाली दे रही थी उसको, शर्मिष्ठा को। शर्मिष्ठा आचार्य सुताम सतीम, तो उसने किया शर्मिष्ठा, और उसके गाली को सुन करके ये भी क्रोध में हो गए, पूरा क्रोध में। अभी विचार नहीं आया कि हमारे आचार्य की बेटी है, कुछ बोल रही है तो सहना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारे गुरु की पुत्री है। आचार्य सुताम और सतीम, और उस पर भी परम सुंदर आचरण की देवयानी है, वास्तव में निंदा के योग्य नहीं है। सती उसके लिए कह रहे हैं, सुखदेव को सभी कहते हैं सती, परम श्रेष्ठ सुचरित्र वाली देवयानी कभी क्रोध नहीं की थी, लेकिन आज अकस्मात ईश्वर का विधान ऐसा बेचारी के मुख से क्रोध है, तो क्रोध में उसने जो भी कहा तो शर्मिष्ठा को चाहिए था कि वो सहन करे, लेकिन देखिए इधर भी सहन नहीं हुआ, अब गाली गलौज चालू हुआ। तो ये तो उच्च बात बोल रही थी, और शर्मिष्ठा को जब क्रोध आया तो वह पहले तो अपने दांतों से अपने ऊँटों को दबा ली, दस्त दक्षदा धर्षिता, चूंकि उसका अपमान किया गया था, देवयानी ने सखियों के सामने उसका इतना बड़ा अपमान किया, तो बेचारी अपने को हीन समझने लगी, उसे बहुत दुख हुआ और क्रोध हुआ, तो इस तरह से सांस लेने लगी, स्वसंति रुषा स्वसंति उलंगी, एक सर्पिणी के समान सांस लेने लगी, जैसे सांप की स्त्री फुफकारने लगे, वैसे वो राजपुत्री क्रोध में लंबी लंबी सांस छोड़ने लगी अपमान के बाद सुन करके, और कहती है इस तरह से बोली, गुरुपुत्री में भाष होता, गुरुपुत्री से इस प्रकार बोली, ए बच्चों को पकड़ लीजिए, उनको घूमने मत दीजिए, और जिसके बच्चे हो अपने बच्चे बैठा करके रखो, न कंट्रोल करना चाहिए। तो सर्पणी के समान फुफकार छोड़ने लगे क्रोध में, और बोली, आत्मवृत्तम व विज्ञा या कथ से बहु भिक्षुकी किन्नर प्रत्यक्ष से स्मा कम गृहान बलिभूल जथा। अरे भिखमंगी, ये तो राजपूत की राजा की बेटी थी, तो ये उसको सबसे पहले कहते, आत्मवृत्तम अभिज्ञा कथ से बहु भिक्षुकी, अरे भिखमंगिन भिक्षु की,
आत्मवृत्तम अभिज्ञा, पहले ये नहीं ध्यान देती हो कि तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, कैसे जीविका चल रही है, क्यों प्रत्यक्ष से माकम गृह बड़ी भूले जाता है। हमारे पिताजी के घर पर तुम्हारा बाप आ करके कुछ भोजन की प्रतीक्षा नहीं करता है, हमारे घर से जाता है तब ना तुम्हारे घर का खर्चा चलता है। रोज हमारे पिताजी के यहाँ तुम्हारा बाप ही आता है ना, चाहे कथा बाँचने आवे, चाहे मंत्र पढ़ने आवे, चाहे जो कुछ करने आवे, भीख मंगिन कहीं के बहुत बोलते भगवान वंदना करते हैं, ये वंदना करते हैं, ये वंदना करते हैं, रहो रहो मैं तुमको बता रही हूँ। इस तरह से गाली देने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विधेय सब सुपुरुष है, इस प्रकार से बहुत बहुत बात बोली रही है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की बात बोल रही थी, भगवान की गुण गाथा कर रही थी, लेकिन ये तो सीधा रुपया पैसा पर उतर आई व्यवहार पर। इसका मतलब तुम गरीब हो, मैं धनी हूँ, मैं राजा के बेटे हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो चूंकि शर्मिष्ठा उतना उतना अग्रसर महिला नहीं थी, लड़की नहीं थी, जितना देवयानी थी। देवयानी एक तो सर्वश्रेष्ठ विद्वान की पुत्री है शुक्राचार्य की, भगवान गीता में कहते हैं कवि ना उसना कवि, मैं विद्वानों में शुक्राचार्य हूँ, उसना उनका नाम था, तो उनकी बेटी है, तो ये सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है, इसके वाणी में भगवान की महिमा निकल रही थी, पर इसके वाणी में केवल धन पद ऐश्वर्य, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तुम भिखमंगी हो, ये हो वो, ये निकला। और उसने तो बेचारे जो भी किया था केवल वाणी से गाली दिया, वाणी से गाली दिया। इसने क्या किया, यह तुरंत ही उसके साड़ी को खोल करके और उसको कुआं में ढकेल दी। ये तो राजा की बेटी थी, तो बहुत तगड़ी थी, बलवान थी, और उसी के पक्ष में सारी सखियां भी थी। देखिए यहाँ तक बात बढ़ गई। पहले बातों से झगड़ा हुआ तो देवयानी तो बात बोल करके फिर शांत हो गई थी, तो अब ये बिल्कुल सर्पणी के समान पुकारते हुए उसको गाली देने लगी और उसको नग्न करके और वहीं कुआं में पटक दी, खींच करके। कुआं बहुत गहरा नहीं था, पुष्करणी के पास ही था, लेकिन फिर भी उसमें गिराने के बाद वो लड़की अपने से नहीं निकल सकती थी, तो एक प्रकार से जान मारने के लिए ही वो कुआं में पटक दी, जबरदस्ती खींच करके लाई और पटक दी। और इसके बाद देखिए उनका तमाशा, उसने सारे सखियों को कहा कि कोई भी मत बताना, ये इसी में मर जाए। स्त्रियों का हृदय बहुत कठिन कठोर होता है, ये सभी शास्त्र में कहा गया है। एक श्लोक में भागवत में भी कहा गया है, स्वयं कश्यप जी कहते हैं कि शरद पद्म श्रवण वक्त्रम वचश्च श्रवणामृतम हृदय क्षुर धाराभम स्त्रीण को वेद चेष्टित। स्त्रियों का मुख है शरद कालीन कमल के समान सुंदर होता है, और वचश्च श्रवणामृतम, और उनका वचन तो कानों के लिए अमृत होता है, परंतु हृदय जो होता है वो शाम धराए हुए तेज छुरे के धार के समान होता है, ये भागवत में कहा गया है। देखिए इस प्रसंग में इतना कठोर हृदय हो जाना और अपनी सखी के प्रति कुआं में पटक देना, वस्त्र छीन करके कुआं में पटक देना, उसके बाद ये साठगांठ कर रहे, कोई राजधानी में एक बात नहीं खोलेगी। लोग चले गए,
तो तस्यां गतायाम स्वगृहम जजातिर मृगयाम चरण। लेकिन ईश्वर का विधान देखिए, अद्भुत विधान होता है ये। उसको कुआं में पटका गया है कुछ खास उद्देश्य से, ईश्वर ने किया है, कृष्ण का किया हुआ है। न उसमें क्रोध इतना आ सकता था शर्मिष्ठा में, न देवयानी में क्रोध आ सकता था, लेकिन सब हुआ और यहाँ तक कि कुआं में भी फेंक दिया। और जब ही वो लोग उस सरोवर से आगे गई अपने घर, शर्मिष्ठा गई वो सारी सखियाँ, उसी समय महाराज जजाति प्यास से व्याकुल होकर के उसी उद्यान में जल खोजने लगे। जलार्थी तांद दर्शन। और वे कैसे उधर आ गए? मृगयाम चरण, मृगया करते हुए। मृगया का अर्थ होता है जब राजा किसी हिंसक पशु को मारता है और पवित्र मृग को, कस्तूरी के मृग को मारता है। कस्तूरी का मृग ऐसा होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होता है, और कस्तूरी जब पक जाता है उसकी नाभि सड़ जाती है तो उसमें बहुत दुखी होता है हरिण। तो राजा का कर्तव्य है, उसको ऑर्डर दिया गया ईश्वर के द्वारा कि अपने राज्य में ऐसे हरिण को खोज खोज करके मार दे, नहीं तो बेचारा तड़पता हुआ बहुत महीनों में मरता है। इसी को रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम के विषय में कि पावन मृग मारही जिये जानी, नितपति राव देखा वही नृपही देखा वही आनी। पावन मृग मारते थे, ऐसे मृग का वध कर देना ही उसका उपकार है जिसकी नाभि पक जाती है। तो महाराज जजाति भी इसी तरह से कस्तूरी के मृग का वध करने के लिए और हिंसक जंतुओं का वध करने के लिए घूम रहे थे। तो घूमते घामते हुए उनको प्यास लगी और प्यास के कारण वे उसी कुआं में ही अकस्मात आ गए, कुआं के ऊपर आ गए। पानी देख रहे थे, पानी कहाँ मिलेगा पानी। उनको इस तरह की प्यास जो लगी, यह अभी भगवान की व्यवस्था थी, कृष्ण की व्यवस्था थी। तो जलार्थी जल की इच्छा से वो घूम रहे थे, तब तो कुआं में देखे तो कूपे ताम ददर्श, तो कुएं में गिरी हुई देवयानी को देखे। देखिए ईश्वर की व्यवस्था, उसी के लिए ईश्वर ने उसको पटका था। यही जो वास्तविक घटना है। तो एक कन्या को, एक लड़की को कुएं में गिरी हुई देख करके महाराज जजाति का हृदय दया से भर गया। वो देख लिए कि अगर इसको नहीं निकाला जाएगा तो ये बेचारी मर जाएगी, तो तुरंत ही वे निकालने का प्रयास किए। प्रयास में उनका यह था कि पहले अपने धनुष के नोक से उन्होंने कुएं के तट को नीचा किया, हटाया, मिट्टी हटाया, ईंट हटाया, जो भी था पत्थर जो भी पहले का, इसको हटाया, खाल किया और वहाँ खड़े होकर के तब अपने वास को, अपने कपड़े को, समुत्तरम वास, दत्वा समुत्तरम वास, राजा विवास से, तसई राजा विवास से, तो बिना वस्त्र के थी। तो सबसे पहले महाराज जजाति ने अपने वस्त्र दिया है, फेंक दिया पहनने के लिए, अपने अंगों को ढकने के लिए। और इसके बाद तट को नीचा किए, तट को नीचा करके और बाँह से वो जो कपड़ा गांठ बना कर दिए थे उसको पकड़ करके वाई, और इसके बाद महाराज हाथ पकड़ करके बाहर कर लिए। गृहत्वा पाणी ना पाणी उज्जहार दया पर, दया पर महाराज जजाति दया के वश में उस ज्योति लड़की का उद्धार किए। दया वश, सुखदेव गोस्वामी का शब्द सुनिए, दया पर, दया परायण। वो तो सभी जीवों पर दया करते थे, इस विपत्ति में पड़ी हुई इस कन्या पर उन्होंने दया करके निकाल दिया। गृहीत्वा पाणिना पाणी, अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़कर निकाल दी ऊपर की। तो जब
उसका हाथ पकड़ करके निकाल लिए तो देवयानी महाराज जजाति से बोली। देवयानी ने ये कहा कि महाराज राजंस त्वया गृहीतो में पाणि पर पुरंजय, हे शत्रुओं के नगर को जीतने वाले महाराज आपने मेरा पाणि ग्रहण कर लिया है, त्वया गृहीता है आपने मेरा पाणि ग्रहण कर लिया, अतः हस्तग्राहो न परो भूत, अब मेरा हाथ पकड़ने वाला मेरे साथ विवाह करने वाला दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मेरा मुझको ग्रहण कर लिया, मेरा पाणि ग्रहण कर लिया। महाराज जजाति परम धार्मिक पुरुष थे, राजर्षि थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये केवल हाथ पकड़ने से थोड़े विवाह हो गया। महाराज जजाति कहे ऐसी बात आप क्यों कहती, तो आप कुएं में गिरी हुई थी मैंने दयावश निकाल दिया, लेकिन ऐसी बात ना कहें। तब देवयानी कहती है हे महाराज ये जो संबंध है हम में और आप में यह पौरुष संबंध नहीं है, पौरुष मैंने पुरुष का मनुष्य का किया हुआ संबंध नहीं है, हमारे और आपके बीच में जो संबंध हो रहा है यह ईश्वर का किया हुआ संबंध है, मैं तो कुएं में गिरी हुई थी और कुएं में गिरी थी मैं क्या जानती थी कि आप मेरे पास आएंगे और आप मुझे निकालेंगे, लेकिन ईश्वर ने आपके हृदय में प्रेरणा दिया, आप मेरे पास आए और हमको आपने निकाला इस कुएं से, आपका जो दर्शन हुआ यह ऐसा ईश्वर कृतो संबंधो नौन पुरुष, यह ईश्वर के द्वारा रचा हुआ संबंध है, मनुष्य समाज के द्वारा एक रचा हुआ संबंध नहीं है, पौरुष संबंध नहीं अपौरुष है, ईश्वर के द्वारा दिया, क्योंकि जगदम कूप लगनाया भवतो दर्शनम मम, मैं कुएं में कूप लगना थी कुएं में गिरी हुई थी और ऐसी स्थिति में आपका दर्शन, तो यह ईश्वर के द्वारा किया हुआ संबंध है, न आप हमको जानते थे न मैं आपको जानती थी, पर आपका कुएं पर आना और मुझे निकालना मेरे जीवन की रक्षा करना, तो हमारे आप वास्तव में प्राणनाथ हैं, आपने हमारे प्राणों की रक्षा किया है, आप ही हमारे पति हैं, यह ईश्वर की व्यवस्था है, अतः आप हमें स्वीकार करें। तो इस पर महाराज जजाति ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है, आप किसकी पुत्री हैं, तो उसने कहा मैं परम पूज्य श्री शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। इतना सुनने पर महाराज जजाति कान बंद कर ली, जब दूसरा शब्द उसने कहा कि पर आप मेरे पति हैं, तब महाराज जजाति कान बंद कर ले, कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप किसी ब्राह्मण से विवाह कीजिए, मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैं विवाह करा दूंगा, लेकिन आप ब्राह्मण से विवाह कीजिए, आप ब्राह्मणी हैं मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कैसे किसी ब्राह्मणी को स्वीकार कर सकता हूँ। तब वो कहती है देवयानी न ब्राह्मण में भविता हस्तग्राहो महाभुज, हे महान बाहुबल वाले मेरे साथ कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, कचस्य बारहस पत्तस्य सापा जम सपम पुरा, क्यों महाराज जजाति ने पूछा कि तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण क्यों नहीं विवाह करेगा, नहीं करेगा क्योंकि बृहस्पति जी के पुत्र
कच्छ ने हमको सांप दिया है। क्यों सांप दिया? तो देवानी कहती जम असपम पूरा, मैंने उसको पहले सांप दिया इसलिए उसने मुझे सांप दे दिया। जो कथा इस प्रकार की है कि बृहस्पति जी के पुत्र, बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, जस्ट अपोजिट। लेकिन पहले के लोग इतना महान होते थे कि व्यवहारिक झगड़ा अपने जगह पर रहता था, बाकी वो किसी को का हित करना, किसी की सहायता करना, इससे नहीं चुकते थे। तो शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना, इतना एडवांस है वो मेडिकल साइंस में। आजकल तो कोई मरे हुए को नहीं जिला सकता ना, अरे जीवित को ही जिला दे वही काफी है। हॉस्पिटलाइज्ड है, जी रहा है, उसको भी नहीं जिला सकता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब ले जाओ।